मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, आज की पीढ़ी को पता भी नहीं था आपातकाल क्या था, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी, परीक्षा वाले दिन पुलिस ने उठाया। भोपाल आपातकाल के 45 साल पूरे होने पर बीजेपी में कार्यक्रम, मीसाबंदियों का किया जा रहा है सम्मान, शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश प्रभारी वीडी शर्मा मौजूद। आपातकाल को काला दिवस के रूप में बनाती है बीजेपी, सेंट्रल जेल में डाल दिया गया, पूरे देश को जेल खाना बना दिया था। वीडी शर्मा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का मीसाबंदी के तौर पर किया सम्मान। लगे नहीं मेरे आज से 40 साल पहले। अरे ऐसे मत करो, आवाज बंद करो, अब शुरू करें। आज से 40 साल पहले 25 और 26 जून की अर्धरात्रि को इंदिरा जी ने, कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने लोकतंत्र का गला घोट दिया था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली थी और संविधान को कुचल दिया गया था, पूरा देश जेल खाने में तब्दील हो गया था, हजारों लोग बिना किसी अपराध के जेलों में ठूस दिए गए थे, ना वकील, ना अपील, ना दलील, केवल इंदिरा जी की तानाशाही थी। और मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी तो उम्र उस समय 17-18 साल थी, हम जैसे बच्चे भी उस समय जेलों में भेज दिए गए थे, कई परिवार तबाह कर दिए गए थे। और इस पाप से कांग्रेस को कभी मुक्ति मिल नहीं सकती। आज श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी बात करते हैं संवैधानिक संस्थाओं की, इनके तो खानदान नहीं लोकतंत्र को कुचला था। और इस आपातकाल को लगाने के लिए कांग्रेस को इतिहास कभी माफ नहीं कर सकता। इनको तो लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पर बोलने का अधिकार और हक ही नहीं है कांग्रेस को। आज भी जब वो दिन याद आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं जो 11वीं में उस समय पढ़ता था, लट्ठों से हम पीटे गए थे थानों में, कोहनियों और घुटनों में डंडे मारे गए थे। हमारे साथी थे हसमत बारसी जी, भोपाल की जेल में तलब तलब के दम तोड़ दिया था। हम चिल्लाते रहे कि इनको इलाज के लिए ले जाओ, नहीं ले जाया गया, अमानुष की यातनाएं दी गई थी, अमानवीयता की पराकाष्ठा की गई थी। देश के लोकतंत्र में आज का दिन काले दिन के रूप में दर्ज है, जिसके लिए जवाबदार कांग्रेस थी। बीजेपी में एससी एसटी मोर्चे का चिंतन शिविर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान, मोर्चों के आगामी कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने का काम करेंगे मोर्चे, गरीब कल्याण की योजनाओं की मॉनिटरिंग भी होगी, अनुसूचित जाति और उनकी उपजातियों को भी संगठन के साथ जोड़ा जाएगा, रोजगार और शिक्षा विकास के मुद्दे पर काम करेंगे मोर्चे। अब इसका जवाब लाल सिंह जी देंगे। सर, एक सवाल आपसे है कि आज भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि अपने संगठनात्मक काम के सुदृढ़ीकरण के लिए, अभी तो फुल टाइमर ही हैं, ये फुल टाइमर ही हैं, हम सब फुल टाइमर ही हैं, क्यों भाई सूरज जी? तो इसलिए उस काम को सुदृढ़ बनाने के लिए रणनीतिक तौर पर हमको क्या करना चाहिए, उन सारे मुद्दों की हम एक एक चीज़ का हम व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन अपना काम सुदृढ़ीकरण बने इसको लेकर के आज हमने चर्चा करके आगामी तैयारी की,
रणनीति बनाई है। सर, कहीं बताया गया है कि दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार ने कोरोना के वक्त में जितनी उनको ऑक्सीजन की जरूरत थी उससे 4 गुना ज्यादा डिमांड की, जिससे अन्य राज्यों में जो सप्लाई ऑक्सीजन की होनी चाहिए थी कोरोना की वो नहीं हो पाई। ये वही सब लोग हैं, चाहे केजरीवाल हों, चाहे देश के अंदर राहुल गांधी हों, चाहे कांग्रेस का नेतृत्व। आपने देखा ना कि कर्नाटक के अंदर तो क्या किया, कर्नाटक के अंदर तो कांग्रेस के लोगों ने मिलकर के ये तय किया कि बेडों पर कब्जा कर लो, और बेडों पर कब्जा करके उन्होंने क्राइसिस कैसे पैदा हो। तो पूरे देश के अंदर कांग्रेस केवल एक ही भूमिका निभा रही है कि कैसे बदनाम किया जाए, कैसे अभाव दिखाया जाए। और मध्य प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने कह दिया कि भारत बदनाम हो गया, मेरा भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, इनके पास कुछ बचा नहीं है। ये केवल और केवल देश के अंदर स्थिरता पैदा करना, अराजकता पैदा करना, और देश के अंदर दुनिया के अंदर भारत को कैसे बदनाम करें, जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सिरमौर बनकर के दुनिया जिसकी स्वीकारोक्ति दे रही है। तो ये बातें उनको पचती नहीं हैं। जो मछली जब पानी से निकल जाती है तो वो जिस प्रकार से तड़पती है, वैसे ही कांग्रेस का नेतृत्व भी इस देश के अंदर तड़प रहा है। भाई साहब एक मिनट, आज अभी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चे की बैठक हमारी अभी संपन्न हुई है। उस बैठक में मुख्य तौर पर अनुसूचित जाति मोर्चे के हमारे काम का जो विस्तार है, तो काम के विस्तार की दृष्टि से उस पर चर्चा, जो हमारी संगठनात्मक रचना है उसमें मोर्चे का काम प्रभावी तौर पर कैसे बने। अभी तक हमारे लाल सिंह जी से लेकर सूरज कैरो जी हमारे पूर्व के अध्यक्ष हैं, कैलाश जाटव जी ने 57 जिलों के दौरे करने के बाद संगठन काम के विस्तार के लिए हमको किन किन बातों की आज ज़रूरत है, उन सारे मुद्दों पर अपने संगठनात्मक काम के सुदृढ़ीकरण के लिए चर्चा इस बैठक में हुई है। मोर्चे की आगामी रणनीति हमारी कार्य विस्तार से लेकर के उन मुद्दों पर हम कैसे करें, इसकी हमने चर्चा की है। कोविड के महामारी के संकट में भारतीय जनता पार्टी पूरा संगठन जिस काम में लगा है, मोर्चों को भी हमने अलग अलग प्रकार से काम दिया है। जैसे आपने देखा होगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर 7 मोर्चों को ब्लड डोनेशन का एक अभियान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया। मुझे बताने में बड़ा गर्व है कि ब्लड डोनेशन के बारे में हमने सोचा कुछ और था कि शायद हम इतना कर पाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर युवा मोर्चे से लेकर के अनुसूचित जाति मोर्चे से लेकर जनजाति महिला मोर्चा, और मुझे बताने में आपको गर्व है कि अनुसूचित अल्पसंख्यक मोर्चे ने भी 800 यूनिट ब्लड डोनेट मध्य प्रदेश के अंदर किया, 800 यूनिट। तो सेवा ही संगठन के अभियान में और आगामी दृष्टि से अपने अनुसूचित जाति मोर्चे को इस काम की दृष्टि से और कैसे हमारी भूमिका बनेगी, इस पर हमने बड़े पैमाने पर चर्चा की है। कल प्रदेश कार्य समिति के बाद मैंने जिस बात का उल्लेख किया था, आपको सबको ध्यान में होगा कि केंद्र राज्य सरकार की हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शपथ ली थी पहली बार, तब कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी। आज इस देश के इतिहास में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाएं जिस प्रकार से दी हैं, उन योजनाओं को नीचे ज़मीन पर उतारना, उनको मॉनिटरिंग करते हुए कि लोगों को लाभ ठीक तरीके से जो मिल रहा है, और अगर कोई इस प्रकार के चीज़ों में कुछ और करने की ज़रूरत है तो अनुसूचित जाति मोर्चा भी हमारी उन योजनाओं को लेकर ज़मीन पर कैसे ज़्यादा गंभीरता से उतारने का जो प्रयास है, इसमें हम सब लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के सभी जाति उपजाति अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के वर्गों की अपनी भूमिका है, तो इसलिए अनुसूचित जाति वर्ग में सभी जाति अपनी उपजातियां जो हैं उनके बीच सामाजिक नेतृत्व,
उनके बीच भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व खड़ा करना, इस पर हमने उस नेतृत्व की स्थापना के लिए भी इस पर चर्चा हम सब लोगों ने मिलकर के की है। और समाज के सामने, अनुसूचित जाति समाज के सामने उपस्थित सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक और रोजगार से मुद्दों पर जो चर्चा है, उन सारी बातों पर, उन चुनौतियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के आज हमारे प्रदेश के प्रभारी, अखिल भारतीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कैलाश जी, लाल सिंह जी हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमें गर्व है इस बात का कि मध्य प्रदेश के हमारे नेता आज पूरे देश के अनुसूचित जाति वर्ग का, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। सब लोगों ने मिलकर के इस पर चर्चा की है, तो इन चुनौतियों का भी समाधान भारतीय जनता पार्टी के अपने काम के बल पर हम लोग कैसे देंगे, इन सारे मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई है। के लिए आपने क्या किया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। मेरा टीका मेरी सुरक्षा, वैक्सीन लगवाओ सुरक्षित जीवन पाओ। दिनांक 26/6/2021 को वृद्ध टीकाकरण केंद्र का यहाँ पे आयोजन हो रहा है, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पे 18 से 20 केंद्र टीकाकरण के बना रहे हैं। उन टीकाकरण केंद्रों पर हम नगर की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक टीकाकरण करवाएंगे। नगर सहारनपुर की जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जो वृद्ध टीकाकरण कार्यक्रम दिनांक 26 जून को हो रहा है, इसमें जनता से अपील यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टीका लगवाएं। मैं लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टीका लगवाएं और अधिक से अधिक टीकाकरण में सहयोग प्रदान करें। ये टीका नहीं संजीवनी है, ये टीका नहीं संजीवनी है, ये टीका नहीं संजीवनी है। हो अब साथ में मिलके सुन लो जी कि हमें कोरोना भगाना है और टीके के हथियार से इस बीमारी को हराना है। कोरोना से बचने के लिए सुरक्षा कवच अपनाएं, टीका जरूर लगवाएं। ये टीका नहीं संजीवनी है।